अक्षय कुमार अपनी निजी जिंदगी नूं लै के काफ़ी निजी व्यक्ति मने जाते हैं। वो विशेष तौर पर अपने पेशेवर अते अनुशासित व्यवहार लिए जाने जाते हैं। उन्हां दी पत्नी ट्विंकल खन्ना अक्सर सोशल मीडिया से घर दीआं तस्वीरां शेयर करती है, पर पहली बार अक्षय कुमार ने एक प्रमोशनल वीडियो राहीं अपने आलिशान घर की सैर करवाई है। आओ पहला देखते हैं अक्षय कुमार की यह वीडियो। आजा रोहित, हाउ आर यू सर? बस एकदम बढ़िया, कम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर सर। देखो पता है ये पहला इंटरव्यू है जो मेरे घर पे हो रहा है। आज तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया घर पे। सीरियसली? हां। वाओ सर, आपका फोर्स नाइन का वीडियो देखा। हां, अपैरल ब्रांड है वो समझ आया, पर फोर्स नाइन ही क्यों? फोर्स नाइन ही क्यों? क्योंकि ना देख, सबसे बड़ा फोर्स होता है जो पूरे इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। सेकंड फोर्स जो मदर नेचर, तीसरा फोर्स जो हमारी आर्म फोर्सेस। सो मेरे पिताजी आर्म फोर्सेस में थे, तो इट्स आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। एंड नौ नंबर जो है मेरा बर्थडे है, मेरा लकी नंबर है, और नौ नंबर बेसिकली इट सिग्निफाइज वॉरियर। सो आई मिक्स देम टुगेदर एंड दिस थिंग आई वॉन्ट टू डू इट विद माई इमोशन, फुल इमोशन। सो दैट्स वाई अगर तू नीचे देखेगा ना तो लिखा हुआ इंजीनियर विद इमोशन। अक्षय कुमार ने असल दे विच जानकारी दिती है कि वो अपना फैशन ब्रांड शुरू करन जा रहे ने, अते इस तो पहला सलमान खान भी अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू कर चुके ने। सलमान खान ने भी बीइंग ह्यूमन दे नाम दे नाल फैशन दी दुनिया दे विच एंट्री कीती है, ते हुण अक्षय कुमार ने इसका ऐलान किया। कुछ दिन पहला आलिया भट्ट ने भी अपनी मैटरनिटी क्लोथिंग लाइन लॉन्च कीती सी। इस नाल ही अक्षय कुमार ने अपने फैशन ब्रांड का नाम फोर्स नाइन रखिया। इस नाल ही वीडियो दे विच अक्षय कुमार बाग दे विचों घर दे विच दाखल हुंदे ने। घर दे लिविंग रूम दे विच बहुत सारियां सुंदर पेंटिंग्स, लग्जरी फर्नीचर अते कई सजावटी चीज़ां दिखाई दिंदियां ने। इस नाल ही अक्षय कुमार ये भी दसदे नज़र आउंदे ने कि उन्होंने इसका नाम फोर्स नाइन क्यों रखिया। इस वीडियो दे विच अक्षय कुमार ब्लू कलर के ट्रैक सूट दे विच नज़र आ रहे ने। उन्होंने भी कहा कि यह उन्होंने पहली इंटरव्यू है जो उन्होंने अपने घर दे विच दित्ती है। लिविंग रूम तो अक्षय कुमार सीधा ड्रेसिंग रूम के जाते हैं। ड्रेसिंग रूम के बैड तो इलावा साइड से एक वार्डरोब नज़र आ रहा। अक्षय कुमार अपनिया बहुत सारिया टी शर्ट्स और कपड़े दिखाते हैं, ये भी दसते हैं कि जेकर वो कर सके तो वह सारा दिन टी शर्ट्स, हुडीज और ट्रैक पैंट्स के ही बिताएंगे। अक्षय कुमार ने यह भी दसिया कि इस लिए उन्होंने वही टीम काम कर रही है, वो आप ही हर छोटी मोटी गल का ध्यान रखेंगे। आओ एक बार फिर तो देख लें अक्षय कुमार वालों शेयर की गई यह वीडियो। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। So what kind of clothes can we expect? Come, मैं तेरे को वार्डरोब पे लेके चलता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ कौन से कैसे कैसे कपड़े मैं खुद पहनता हूँ एंड कैसे कैसे कपड़े मैं करना चाहता हूँ। आ जा। देख, ये मेरी टी शर्टें हैं। आई लाइक यू नो एकदम खुली खुले पहनना चाहता हूँ एंड समथिंग विच जस्ट फिट्स योर बॉडी and you are comfortable. The word is actually comfortable. I want to have that word comfortable. And this is what I am like. I mera bus chale to main sara din track pant mein guzaru, sara din hoodies mein guzaru, sara din patli t-shirts mein guzaru. So main aise hi sab kuch design karna chahta hu jiske andar color bhi ho, jiske andar comfort bhi ho, and I just want to be myself. And that's what it is. At the end of the day, you have to be you. And Force 9 is all about being me. That's me. तो आपका खुद का personal style statement. मैं समझ गया सर. तो एक question है सर. Actor, producer, और आप designer भी? नहीं. मैं कोई designer नहीं हूँ. मेरे साथ बहुत बड़े अच्छे professional designers जुड़े हुए हैं. काम करने वाले जुड़े हुए हैं. It's basically a huge team. जो कि इससे इस पर लगेगी, काम करेगी। हम लोग इमोशनली इस पर काम करना चाहते हैं। हम पूरा का पूरा, मैं खुद भी ध्यान देना चाहता हूँ कि कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कौन से बटन्स हैं, क्या चीज़ है, क्या मैं ये खुद पहनूंगा। अगर मैं ये खुद पहनूंगा तो ही मैं इसको लाना चाहता हूँ। सो बेसिकली पूरी की पूरी, एंड देयर ऑल यंग टीम। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस एज सून एज पॉसिबल टू द मार्केट। तो सर ये सब प्रोडक्शन इंडिया में होता है या बाहर होता है? नहीं, वेरी मच इंडिया में। सारा सब का सारा, सारा का सारा सामान मेड इन इंडिया। सो सर, लास्ट फाइनल वर्ड्स फॉर आवर व्यूअर्स। यही कहना चाहूंगा, बहुत दिल से बनाया है इस ब्रांड को। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड आप लोगों को अच्छा लगे। इट्स इंजीनियर्ड विद इमोशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।